ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 4 नवंबर 2019 सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। गोपाष्टमी का महापर्व इस दिन रहेगा। श्रवण नामक नक्षत्र मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना मुंह देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा जो कि मकर राशि में, मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन सिंह तुला वृश्चिक धनु कुंभ और मीन ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। धन लाभ इनको हो सकता है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त होने वाली है। साथ ही कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ इनको मिल सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। लोगों की मदद करेंगे, आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उनको अच्छी तरह से निभा भी लेंगे। आसपास के लोगों से सहानुभूति रखें, लोग आपसे खुश रहेंगे। कुछ जरूरी मामलों पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। ऑफिस के किसी काम में अपने साथ के लोगों से आगे आप निकल सकते हैं। किस्मत से पूरा होता काम आपको खुशियां देगा, सफलता का पुरस्कार आपको प्राप्त होगा, अनजाना सहयोग भी आपको मिलेगा। दूसरों की मदद अवश्य करें तथा मधुर वाणी से आपको अपने सभी काम पूरे करवाना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप देवी जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। पैसों के मामलों में सफलता आपको मिलेगी और स्थिति बेहतर हो जाएगी। धैर्य रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। कोशिश से आप नए नए मौके निकाल सकते हैं। ज़्यादातर कोशिशें आपको किस्मत के माध्यम से मिलेगी और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। खुद पर भरोसा रखना होगा, कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है। किसी खास व्यक्ति के लिए आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जिससे आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और कहीं पर अनजाने स्थान पर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। और उपाय के रूप में दूध में पानी मिला करके यदि आप पीपल के पेड़ में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत सारे कामकाज निपटाने के लिहाज से दिन आपके लिए खास है। लोग आपसे सलाह लेंगे और आप शांत और सौम्य अंदाज में उनकी मदद भी करेंगे और कुछ उलझे हुए काम आपके सुलझ जाएंगे। सही ढंग से विचार करके ही कोई योजना बनाए। पुराना काम निपटाने के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। धैर्य रखें, हर काम को ध्यान से करें। प्रेमी के साथ आपका समय व्यतीत होगा। माता पिता या किसी रिश्तेदार की चिंता आपको हो सकती है। कोई कदम उठाने में आप जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आप कुंठित हो सकते हैं, आपका खर्चा बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के केला चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अपने लक्ष्य को लेकर बहुत मेहनत आप करेंगे। धन लाभ का पूरा योग है। नया बिजनेस और नया अवसर आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। सोच समझकर फैसला करें। आज आपकी तारीफ होगी, धन लाभ होगा। परिवार के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी मामले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी काम में आपको जो है उग्रता बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप थोड़ी सी मिश्री खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है, बहुत से कामों में आपका मन लगेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। समय अच्छा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। धन लाभ के योग है, नए ऑफर आपको मिल सकते हैं और पैसों की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो जाएगा और उपाय के रूप में यदि आप छोटी कन्या को कोई भी पेन या पेंसिल का दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आप योजनाएं बनाएं और उन पर काम शुरू कर दें। आपके पास रोजगार नहीं है तो भी आप किसी न किसी आमदनी का जरिया खोज ही लेंगे। नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के दम पर आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। खुली बातचीत आपको अच्छे मौके देगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जरूरी कामकाज के लिए कहीं बाहर आपको जाना पड़ सकता है और कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपके जीवन में पहली बार आए हैं या नए लोग आपके लिए हो सकते हैं। उनसे आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है। घूमने फिरने या मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ काम भी आपका पूर्ण होने लगेगा जिससे घर परिवार में खुशी का माहौल निर्मित हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी हरी सब्जी का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जिन छोटी मोटी चीजों की आप इच्छा करेंगे वह आपकी पूरी हो जाएगी और दिन यादगार रहेगा, उत्साह बना रहेगा। किसी व्यक्ति के प्रति आपका विशेष प्रेम जो है बढ़ेगा और आकर्षण भी बढ़ेगा। किए गए कामों से आपको फायदा होगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। संकोच और घबराहट समाप्त हो जाएगी। बिजनेस में फायदा होगा। आप अपनी ही गलती छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा चतुराई से भी आपको नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा काम होने से आपको थकावट महसूस होगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर या फिर देव स्थान पर, धार्मिक स्थान पर जाकर के वहां पर सेवा करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे और आप उससे खुश भी होंगे। जो प्लान आप करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल होगी। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। अपने काम से काम रखें। अपने मन की बात दोस्तों से शेयर करें। उनसे आपको मदद भी मिलेगी। आप बॉस के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। वेतन वृद्धि को लेकर आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार भी आ सकते हैं। ऑफिस में कुछ छोटी मोटी बात पर आप गुस्सा हो सकते हैं। कोई अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ में पानी डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। किस्मत से आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। नौकरी, बिजनेस और करियर के मामलों में आगे बढ़ने का दिन है और आपकी पहचान और आपकी हैसियत बढ़ने वाली है। नौकरी तथा बिजनेस में करियर के मामलों को लेकर के आप उत्साहित रहेंगे। बहुत ही सोच विचार कर कोई बड़ा फैसला लें। संतुलन और अनुशासन लगातार रखें। आमदनी बढ़ सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ रहेगा। उत्साह भरपूर रहेगा। किसी दोस्त के लिए आप बहुत कारगर साबित होंगे। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। कहीं पर ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा जहां पर आप पहले कभी नहीं गए थे। बड़ा फैसला लेने में थोड़ी बहुत आप परेशानी भी महसूस करेंगे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मन की बात कहने और दूसरों से बातें करने में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी। बीती बातें मन में चलती रहेगी। दिन में आपको कुछ सुखद एहसास भी होंगे। किसी काम के लिए आपकी जो है एप्लीकेशन मंजूर हो सकती है। यात्रा की योजना बन सकती है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बस समय के साथ चलते रहे। दूसरों की मदद आपको करनी होगी। इन मामलों को अपने स्तर पर आसानी से आप सुलझा भी लेंगे। आज किसी नई बात या किसी छिपी हुई बात का पता लगाने में आप सफल होंगे। मनोरंजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। किसी मंदिर के दरवाजे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
मन की बात किसी से शेयर करने में आप इच्छा रखेंगे, उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। धन संबंधित काम पूरे होने का योग है और आपको फायदा भी होगा। पैसों के मामलों में किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आसानी से आपको मिल जाएगी। मन आपका बहुत सक्रिय रहेगा और आपको किसी अच्छी घटना के संकेत प्राप्त होंगे। भावुकता अधिक रहेगी, नेगेटिव विचारों से आप दूर रहे, सामने आ रहे अवसरों का प्रयोग करें। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ सकती है, परिवार की मदद आपको मिल सकती है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले सलाह अवश्य आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय शहद खा लेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। सोचे हुए काम निपटाने के लिहाज से दिन अच्छा है। सारे विकल्पों पर विचार करें, उसके बाद ही निर्णय करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ कहीं पर आपको कुछ विशेष काम के लिए जाना पड़ सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम या रिश्ते या विवाह संबंधी चर्चा होगी और साथ ही साथ कोई अनजाना डर आपको परेशान करेगा। मानसिक तनाव या दबाव की थोड़ी बहुत स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।